मेरा नाम राहिल मेहरा है। मैं 12 साल से फलोगा पे बात कर रहा हूँ। हमारे पूर्वज भी यही पे बात करते थे और ये काफ़ी देर से चल रहा है, लगभग 50-60 साल से। इसको हम रात को दाल भिगो देते हैं तो सुबह इसको ग्राइंडर में पिसवा के तो उसके पल्ले से आ जाते हैं हम। उसमें आप कुछ भी डालो, जैसे जीरा धनिया वगैरह, मेथी वगैरह, कुछ भी डालो मतलब। और बस यही रेसिपी है फलोगे तो बस ये तैयार करते हैं। दूर दूर से लोग जहाँ पे खाने के लिए आते हैं, जैसे कि बाहर से आते हैं लोग, हरियाणा से आते हैं, बाहर पंजाब से आते हैं, बड़ी स्टेटों से आते हैं लोग खाने के लिए। स्पेशल जहाँ पे ब्रेक लगवा के उससे पहले देते हैं, हमारे कस्टमर बड़ी दूर दूर से आते हैं। हाँ, बाहर से लोग आते हैं, वो ब्रेक लगाते हैं यहाँ पे और पल्ले को टेस्ट करते हैं पहले और फीडबैक करवा के भी ले जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये बिजनेस बड़ी देर से चल रहा है सांबा में 50 साल से। काफ़ी देर से चल रहे हैं, शाम में शाम से काम कर रहे हैं, साथ हम लोग साथ में हमारी बात चल रहे हैं, साथ में फैमिली चल रही है यहाँ पे। और यहाँ की फेमस चीज़ है सांभर, वो टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो खाने के लिए आते हैं। यहाँ की फेमस चटनी, अचार वगैरह, पूरी वगैरह अच्छी मिलती है यहाँ पे और काफ़ी लोग इसे पसंद करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पसंद नहीं है, फेमस चीज़ है खाने के लिए, टूरिस्ट भी आते हैं और काफ़ी देर काफ़ी देर काफ़ी काम कब से कर रहे हैं काम, तो हमारे गाँव मशहूर है। लोग जाते हैं सांभर, लखनपुर में मिलते हैं, लोगों को पता है, तभी इसलिए आते हैं सांभर में। ब्रेक लाते हैं अपनी गाड़ी को, साइड में लगाते हैं गिफ्ट करते हैं। मेरा नाम राहिल मेहरा है। मैं 12 साल से फलोगा पे बात कर रहा हूँ। हमारे पूर्वज भी यही पे बात करते थे और ये काफ़ी देर से चल रहा है, लगभग 50-60 साल से। तो बस यही हमारी रोजी होती है। इसको हम रात को दाल भिगो देते हैं तो सुबह इसको ग्राइंडर में पिसवा के तो उसके पल्ले तैयार करते हैं हम। उसमें आप कुछ भी डालो, जैसे जीरा धनिया वगैरह, मेथी वगैरह, कुछ भी डालो मतलब। और बस यही रेसिपी है फलोगे तो बस ये तैयार करते हैं। दूर दूर से लोग जहाँ पे खाने के लिए आते हैं, जैसे कि बाहर से आते हैं लोग, हरियाणा से आते हैं, बाहर पंजाब से आते हैं, बड़ी स्टेटों से आते हैं लोग खाने के लिए। स्पेशल जहाँ पे ब्रेक लगवा के उससे पल्ले लेते हैं हम, हमारे कस्टमर बड़ी दूर दूर से आते हैं। दोबारा ये बिजनेस बड़ी देर से चल रहा है सांबा में 50 साल से। यहाँ के लोग भी पसंद करते हैं, लेकिन बाहर से बड़े लोग आते हैं खाने के लिए।